दशहरा देश का एक प्रमुख और अहम त्योहार है। इसको लेकर देश के विभिन्न प्रांतों में एक महीने पहले ही तैयारियां हो जाती हैं। उत्साह और उमंग का ये त्योहार बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। लेकिन अगर आपको ये कहें कि दशहरे की छत्रछाया विश्व के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में भी है, तो आप क्या कहेंगे? ये सुनने में आपको भले ही अटपटा लगे, लेकिन ये सत्य है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व के सुपर पावर कंट्री अमेरिका की। अमेरिका में इस बार 100 शहरों में दशहरा मनाया जा रहा है, या यूं कहें कि मौजूदा दौर में अमेरिका के हर बड़े शहर में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले रावण दहन के लिए अमेरिका को भारत पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब अमेरिका खुद ही पुतलों का निर्माण कर रहा है। अमेरिका में बढ़ती भारत की आबादी का प्रभाव है कि अमेरिका के लगभग आधे राज्यों और 40 शहरों में अक्टूबर को हिंदू विरासत महीने भी घोषित कर दिया गया है। अमेरिका में रह रहे हिंदुओं के वहां के विकास में योगदान को देखते हुए कई राज्यों ने ये फैसला लिया। इंडो एशियन फेस्टिवल ग्रुप की चेयरपर्सन चंचल गुप्ता कहती हैं कि अमेरिका में जन्मे हमारे बच्चे नहीं जानते कि राम और सीता कौन थे। हम आने वाली पीढ़ियों को अपनी संस्कृति से रूबरू कराना चाहते हैं, इसलिए अपने त्योहार आयोजित किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के प्रांतों की सरकारें भी भारतीय त्योहारों के लिए फंड करने लगी हैं। अमेरिका के न्यू जर्सी में मनाया जाने वाला दशहरा देश का सबसे बड़ा रावण दहन होगा। न्यू जर्सी में ही सबसे ज्यादा भारतवंशी रहते हैं। इस बार पपाइनी पार्क में 1 अक्टूबर को इस दशहरे का आयोजन 1 बजे से रात 8 बजे तक किया जाना है। यहाँ पर रामलीला के साथ दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। यहाँ पर दिल्ली के तर्ज पर मीना बाजार भी लगा है। अमेरिका के न्यू जर्सी में 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को न्यूयॉर्क में दशहरे का आयोजन होना है। भारत की बढ़ती ताकत का अंदाजा आज के वक्त में किसी से छिपा नहीं है। अमेरिका जैसे देश में भारतीयों की बढ़ती धमक इसकी एक वानगी है। अब अमेरिका भी भारतीय त्योहारों को अब अहमियत देने लगा है, और तो और खुद अमेरिकी सरकार ने भी अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित करके इस पर मुहर लगा दी। इसके साथ ही आने वाले वक्त में सनातन धर्म की संस्कृति और भारत की ताकत का डंका पूरे विश्व में बजना लगभग तय है।